व्हेन इन डाउट टेल द ट्रुथ, ऐसा मार्क ट्वेन ने कहा है। ट्रुथ के बारे में मैं आज और ये वीडियो में आपको और कुछ जानकारी देने वाला हूँ। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, मुंबई, नागपुर, पुणे, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत, ये हमारा मिशन है। लोग हमारे हॉस्पिटल्स में, अकोला में आते हैं, ऑनलाइन टेलीफोन कंसल्टेशन करते हैं उनके बीमारी के बारे में और अपने अपने प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ट्रुथ के बारे में या झूठ बोलने के बारे में संदेह रहता है। उनको लगता है कि मैं यदि सच बोल दूँ तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। यदि मैं कहीं सच बोलूँ, यदि मैं मतलब सत्य ना बोलूँ, सच ना बोलूँ या सत्य बोलूँ तो प्रॉब्लम आएगा। यदि मैं सत्य बोलूँ तो लोगों को अनकम्फर्टेबल लगेगा, उनको ठीक नहीं लगेगा, उनको शायद गुस्सा आ जाएगा या उनके फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगे। इसलिए लोग चापलूसी करते हैं, सीधी बात नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, सच्ची नहीं बोलते, झूठ बोलते रहते हैं। और झूठ बोलने में होता क्या है, एक्चुअली बहुत एनर्जी झूठ बोलने को लगती है, क्योंकि सत्य बोलने को कोई एनर्जी लगती नहीं है। ट्रुथ में क्या है कि जब आप ट्रुथ बोलते हैं तो एक्चुअली जब आप ट्रुथ मालूम पड़ता है आपको तो आप रियलिटी से डील कर सकते हो कि वास्तव में है क्या। नहीं तो फिर होता क्या है कि ट्रुथ मालूम ही नहीं है तो आप इमेजिनेशन में कुछ तो भी कर रहे, एक होप है, कुछ तो भी आशा है, उसमें कुछ तो भी कर रहे कि होप हो जाएगा, या कुछ तो भी अपने को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जुगाड़ जमाना पड़ेगा झूठ बोलने के लिए, कुछ तो भी और करना पड़ेगा। मतलब काफ़ी सारी बातें करनी पड़ती है यदि सत्य को छुपाने का है या झूठ बोलने का है। तो एक्चुअली जब हम सत्य बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं तो हम फ्री हो जाएंगे, एनर्जी एकदम रिलीज हो जाएगी। ऐसे बोला जाता है कि द ट्रुथ शेल सेट यू फ्री। आप यदि सच्चे बोल देंगे ना तो आपको बहुत ही फ्री लगेगा, ऐसा बोला जाता है। ट्रुथ फ्रीज अप अवर एनर्जी, मतलब हम जब सत्य बोलते हैं तो हमारी एनर्जी एकदम फ्री हो जाएगी, क्योंकि झूठ बोलने में या छुपाने में बहुत ताकत लगती है। हमको याद रखना पड़ता है कि मैंने झूठा क्या बोला है, बार बार याद रखना पड़ता है। और एक झूठ बोलने के लिए फिर और 50 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वो 50 झूठ खुल जाएंगे इसलिए उसमें बहुत ताकत लगा के काम करना पड़ता है। जब उसमें अपनी एनर्जी जा रही है तो आप नया काम क्या करेंगे, नई क्रिएटिविटी क्या करोगे, नया कहाँ समय लगाओगे, अपने ऊपर कब काम करोगे। सब काम लगता है कि बस छुपाना कैसे, और जो गलत बोला है, जो झूठ बोला है वो कभी बाहर ना आ जाए, उसके ऊपर एनर्जी लगाते जाना। जब लोगों ने सत्य बोल दिया, एकदम साफ सुथरा क्लियर बोल दिया, ट्रुथ बोल दिया, सच्चाई बोल दिया, तो लोगों के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स ही ठीक हो गए। लोगों के माइग्रेन ठीक हो गए, लोगों के पेट के प्रॉब्लम, पाचन संस्था के प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गए। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे पेट में ढकार आना, पेट में एसिडिटी, पेट फूलना, लैट्रिन साफ नहीं होना, लैट्रिन को बार बार जाना, ऐसे काफ़ी सारे एसिडिटी है, काफ़ी सारे पेट के प्रॉब्लम ठीक हो गए। लोगों का डिप्रेशन ठीक हो गया, लोगों को एकदम अलाइवनेस आ गया, एक मतलब ऐसा जीवन जीने का उनको आनंद आ रहा है, ऐसा उनको लगा। उनको ऐसा लगे अपन बहुत यंग हो गए, बहुत जवान हो गए। जो मोटे लोग थे उन्होंने काफ़ी सारा वजन अपना कम कर दिया, आप ही आप, क्योंकि जो उनको एनर्जी लग रही थी वो झूठा बताने, मतलब झूठा जो है वो छुपाने के लिए और सच्चाई छुपाने के लिए, कि सच्चाई नहीं बोलना है, झूठा बोलने के लिए फिर काफ़ी और झूठ बोलने का है, और झूठा मतलब छुपाने का है, झूठा बोल रहे ये छुपाना पड़ता है कि झूठ बोल रहे, ऐसा बताना पड़ता है कि ये सत्य है, बोल रहे अंदर से झूठ, बाहर से बोल रहे ये सत्य है, उसके लिए बहुत ताकत लगती है। तो आज से आप पक्का तय कर लो, जो भी है वो आप सीधी बात करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी है वो ट्रुथ बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे, और ट्रुथ शेल सेट यू फ्री। सो व्हेन इन डाउट टेल द ट्रुथ। आप जब ट्रुथ बोलेंगे तो आपको दिमाग को कोई लोड ही आएगा नहीं, मस्त आपको नींद आते जाएंगी, लोगों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। हो सकता है कि टेम्पररीली बहुत यानी थोड़े समय के लिए, हो सकता है कि कहीं कोई गुस्सा हो जाए, कहीं किसी को बुरा लगे, कोई अनकंफर्टेबल हो जाए, मगर चलता है, टेम्पररी हो जाएगा। मगर जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि नहीं आदमी सत्य बोलता है तो आपके बारे में लोगों के मन में आदर बढ़ जाएगा। तो यह काम आपको आज से करना है कि ट्रुथ बोलने का है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो।
ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।